बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारी डिस्कशन कल चल रही थी, इसमें हमने वेयर हाउस के हवाले से कुछ बातें की थी, इसमें फीफो के हवाले से बात की थी और बहुत सारी चीज़ें हमने प्रोसेस ऑडिट के हवाले से डिस्कस की थी, जो चेक की जाती हैं ऑडिट के अंदर। इसी तनाजुर में हमने ड्रीम स्टोर का भी कुछ जिक्र किया था, तो उसे हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं कि ड्रीम स्टोर में क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं। ड्रीम स्टोर में देखा जाए तो सबसे पहले मटेरियल जो आपके पास स्टोर में आता है, उसका कोई ना कोई एक फ्लो होगा कि ये मटेरियल हमारे पास आया है और आने के बाद ये किस किस प्रोसेस से गुजरने के बाद आगे फर्दर इशू होगा डिपार्टमेंट के अंदर। तो कोई ना कोई पर्टिकुलर एक फ्लो चार्ट जो है वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, जो कि डिपार्टमेंट की एक्टिविटी ड्रीम स्टोर की बता रहा होगा। इसके साथ साथ देखा जाए और क्या चीज़ें देखी जाएंगी वहाँ पे फिज़िकली और डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, तो वो हम अभी डिस्कस करना शुरू करते हैं। फ्लो चार्ट के साथ साथ फिर आपने देखना है कि ड्रीम एरिया जो है वो वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ऑर्गेनाइज हो और ड्रीम जो है बहुत मैनेज करके रखी हुई हो, बिन्स के अंदर हो, ड्रीम कार्ड लगे हुए हों, बिन कार्ड्स लगे हुए हों उसके अंदर, और इन आउट क्वान्टिटी वगैरह जो है मेंशन हो, जितना माल आया है वो उसके अंदर मेंशन हो, जितना इशू हो गया है उसकी इन्वेंट्री प्रॉपरली वो लोग मेंटेन कर रहे हैं, बिन कार्ड इन्वेंट्री सिस्टम अच्छे तरीके से वर्क कर रहा हो। इसके अलावा अगर विंडोज़ वगैरह मौजूद हैं जहाँ डायरेक्टली सनलाइट का अंदेशा है, तो ऐसी जगह से ऐसी जगह ट्रिम्स जो है रखने से अवॉइड करना चाहिए, या विंडो पर ब्लाइंड्स वगैरह होने चाहिए ताकि हमारी प्रोडक्ट को और धागे वगैरह जो होते हैं, कलर चीज़ें जो होती हैं, कलर यार्न वगैरह जो होता है, इसमें हमें कोई नुकसान ना हो और कलर फेडिंग के हमारे पास इशू ना हो। इसके साथ साथ जब हमारे पास ट्रिम्स को हम देखना शुरू करते हैं, तो फ्लो चार्ट के अंदर ये भी लिखा होता है कि जब हमारे पास माल रिसीव होता है सप्लायर के पास से, तो उसका कोई ना कोई पीओ आता है और आने के बाद या चालान होता है, चालान आता है, तो चालान के साथ साथ हमारा जो हमने इंटरनल पीओ जनरेट किया होता है और सप्लायर को भेजा होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो माल हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमें दिया जाता है, डिलीवर होता है हमारे पास, और हम उसको अपने हमारी जो इश्यूएंस रिपोर्ट है या रिसीविंग रिपोर्ट है सप्लायर की, उसमें हम डेली बेसिस के ऊपर मेंटेन कर रहे होते हैं, जिसे हम MMC कहते हैं या कुछ और जो भी आपके पास आपके एरिया में नाम इस्तेमाल किया जाता हो, उसमें उसको पर्टिकुलरली मेंटेन किया जाता है कि इस दिन इस पर्टिकुलर तारीख को इस टाइम पे ये हमें ये आइटम जो है सप्लायर के पास से रिसीव हो, तो उसे हम MMC कहते हैं। MMC के अकॉर्डिंगली फिर वो उसकी पर्टिकुलरली इंस्पेक्शन की जाती है, वो इंस्पेक्शन जो है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट अपने तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है। इंस्पेक्शन परफॉर्म करने के लिए अप्रूव ट्रिम कार्ड का होना लाजमी है, जो कि हमारे क्वालिटी कंट्रोलर के पास भी होना चाहिए और स्टोर डिपार्टमेंट के पास भी होना चाहिए फॉर इंस्पेक्शन। अगर हम फर्दर प्रोसीड करें, तो इसके साथ साथ इंस्पेक्शन होने के बाद जब माल पास हो जाता है या फेल हो जाता है, तो उसका डिसीजन होने के बाद फिर वो फर्दर स्टोर को वापस कर दिया जाता है उसके डिसीजन के साथ कि ये फेल हो गया है और इस पर अभी डिसीजन बाकी है कि आया कि वो चलना है या वापस जाएगा सप्लायर के पास और नई इश्योरेंस होगी, नया माल हमें डिलीवर किया जाएगा। तो वो दोनों किस्म के माल जो है, फेल माल जो है होल्ड एरिया में रख दिया जाएगा और पास जो होता है माल वो फिर स्टोर के हैंड ओवर कर दिया जाता है, वो अपने अकॉर्डिंगली फिर अगर इशू करना होता है तो इशू करते हैं उसके बाद, या तो फिर उसको बिन कार्ड्स में अपने रैक्स के अंदर लगा दिया जाता है और बिन कार्ड में उनकी इन्वेंट्री को मेंटेन कर दिया जाता है। इसी तरीके से जब इशू हो जाता है, इशू होने के बाद फिर वो उसका इशूस रिकॉर्ड स्टोर डिपार्टमेंट का काम है कि बना के रखेगा अपने पास, और इशू होने के बाद जब स्टाइल कम्प्लीटली क्लोज आउट हो जाएगा हमारे पास से, तो उसकी रिमेनिंग एसेसरीज जो हैं जो वापस आएंगी हमारे पास, क्योंकि एसेसरीज के अंदर कोई ना कोई चीज़ जो होती है, बल्कि तमाम चीज़ों में परसेंटेज रखी जाती है, ज़्यादा चीज़ें आ रही होती, तो उसके
उसे उसी के अकॉर्डिंगली इशू किया जाता है, और इशू करने के बाद रिमेनिंग जो है स्टाइल क्लोजिंग के बाद जब हो जाता है तो वो डिपार्टमेंट से वापस आता है और वो स्टॉक बनता है या फिर हमारे पास दोबारा इन्वेंट्री में शामिल हो जाता है। अगर हमारे पास रेगुलर स्टाइल है, रिपीटेड स्टाइल है, तो वो आपका इन्वेंट्री में दोबारा शामिल हो जाएगा और नेक्स्ट स्टाइल के लिए दोबारा वो चीज़ आपकी यूटिलाइज हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है, हमारे पास स्टाइल एक ही था और वो ख़त्म हो गया, उसके बाद दोबारा कोई उम्मीद नहीं आने की, तो वो अगर रिमेनिंग्स जो है उसकी वो स्टॉक के अंदर चली जाएंगी और स्टॉक में कुछ अरसे 6 महीने 1 साल रिकॉर्ड रखने के बाद फिर वो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा या फिर हमारे लिए बेकार हो जाएगी, हम उसको सेल आउट कर दिया जाएगा थ्रू प्रॉपर चैनल जो भी फैक्ट्री की तरफ से डिफाइन होता है। तो ये तो पूरा प्रोसीजर जो है आपका स्टोर का है। इसमें स्टोर के अंदर सिर्फ ऑथोराइज एंट्री का भी ख्याल करना होता है कि स्टोर के अंदर कोई थेफ्ट की एक्टिविटी ना हो, तो इसलिए ट्रिम वेयरहाउस जो होता है उसमें ऑथोराइज एंट्री हो, और इसके अलावा फैब्रिक वेयरहाउस जो है उसके अंदर भी ऑथोराइज एंट्री हो, रजिस्टर मेंटेन हो, जो अलाउड हैं लोग वहाँ पे काम करने के लिए वो वहाँ पे हो, काम कर रहे हों, और जो एक्सेस बंदा अपने किसी पर्टिकुलर काम के लिए वहाँ पे गया है तो उसकी कोई ना कोई प्रॉपर एंट्री हो रही हो। तो ये एक प्रोसीजर है हमारा ट्रिम्स इंस्पेक्शन का। इसके बाद हमने आगे आगे पढ़ना है, उसमें हम फैब्रिक इंस्पेक्शन को डिस्कस करेंगे।